फ्रेंड्स, हम लोग नदी किनारे वॉक के लिए जा रहे हैं, तो जो रास्ता है उसी का एक व्यू लिया है हमने। देखिए कितना सुंदर रास्ता है, और हम जिस शहर में रहते हैं वो पहाड़ों पे बना हुआ है, तो हमारा जो शहर है ना वो पहाड़ों का शहर है, इसीलिए कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, बस इस तरीके का रहता है। इधर ही है ना नदी डॉक्टर साहब? हाँ, ये जस्ट ये नदी है इधर। अच्छा, ये जो मेरा राइट साइड है, ये जो मेरा राइट साइड है, ये जो दिख रहा है, यहाँ नीचे नदी ही है, तो यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नया साल है और नई सुबह है, उसमें आप सभी का स्वागत है। ये नया साल सबके लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत सुंदर हो, जिसकी जो भी इच्छा है उसको वो मिल जाए, सारी खुशियाँ मिले, सभी ब्लेस्ड रहें और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें। चलो हम भी थोड़ा निकले हैं वॉक पे, और सुबह सुबह मुझे बहुत पसंद है, इवन सभी को पसंद होता है, तो मैं निकली हूँ डॉक्टर साहब के साथ वॉक पे। वॉक करते करते थोड़ी देर आपसे बातें करेंगे और थोड़ा नज़ारा आपको दिखाएंगे, है ना? मज़ेदार नज़ारे, खूबसूरत सुबह का आगाज़, नए साल का आगाज़, वो भी हरियाली के साथ, शानदार। मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ और आप सब भी पॉजिटिव फील करें मेरे साथ साथ। तो फ्रेंड्स, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी आरोग्य रहें, सभी निरोगी रहें, और सभी जितना संभव हो सकता है अपने जीवन का भरपूर आनंद लें और खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ हम नए साल की शुरुआत करते हैं और एक लेते हैं छोटी सी वॉक, जिसमें आने वाला है बहुत मज़ा। नए साल की शानदार शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग वॉक के साथ, हमारे ब्लॉग में हम कर चुके हैं, और आप भी करिए कुछ इसी तरीके से। और हर रोज़ वॉक करना चाहिए, वॉक करने के लिए हमें किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छे काम को जिस दिन शुरू कर दिया जाए उसी दिन सही होता है। तो अब वॉक करने के बाद हम जाएंगे घर, और बच्चों ने भी कुछ फरमाइश की है, मेरे बेटे ने कि उसको खीर या सेवइयाँ कुछ खाना है, तो खीर या सेवइयाँ कुछ बनाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए हमारे ब्लॉग में, देखिए कि आज दिन में हम क्या क्या करते हैं, शाम का भी कुछ छोटा सा प्लान है, तो इस तरीके से हमारा ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है न्यू ईयर का। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को या मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारा उद्देश्य ये है कि जो दो देश हैं, भारत और चीन, इंडिया और चाइना, तो ये एक ऐसा ब्रिज बने जहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, वो आपस में कितने प्यार से रहते हैं, कितनी एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सब आपको जानने को मिले। तो इसलिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। वॉक करते करते मुझे कुछ आंटियाँ दिखी हैं, चाइना में उनको आई कहते हैं, तो आई लोग हैं जो सब्जी बेच रही हैं, और मुझे हरी सब्जी खरीदने का बहुत शौक है। ये अपने घरों में ही कुछ सब्जी उगाते हैं और थोड़ी थोड़ी ले आते हैं, तो चलिए उनके साथ कुछ सब्जी खरीदते हैं और कुछ बातें करते हैं। निहाओ, तो这个多少钱一斤？五块的八，一斤多少八？好，好，好，好，好。
这是什么菜？油菜尖，炒的好吃的很。好，这个没有红色的吗？没得。好好好。卖了先就。好。弄啥？好好好，这个什么？这个什么？这个拿来喂来吃，我在那都割，喂来吃，巴适得很。这个可以炒吗？不，这个不可以炒，我喂来吃，我喂来吃嘞。好，补品，喂来吃，喂肉来吃，喂鸡，喂鸭子，喂来吃排骨，喂猪蹄子。好，给我一个，这个好。我脚干了。哎，तराजू देखो कितनी अलग तरीके की है, सुंदर सी。煎一根给你两斤不嘛？好，我看这个煎一根给你。好。两块，这还要那几根了，八十多。两斤。新鲜的，5块钱。5块钱。啊，5块钱，3块钱。六，好，可以。两斤几多的？1kg。啊？1kg。2块啊，那个。1斤1/2kg。1斤1/2kg，2斤1kg，ये मुझे उन्होंने 1/2 किलो 3 RMB की दी है और 1 किलो 6 RMB की दी है और ये भी बताया है कि उसको कैसे बनाना है. थैंक यू सेशनी. हाइश वुनियन वो मन जाए शंघाई हाइश नानजिंग सो वही वो श्वेशी फुटों हुआ चोंगवेन ई हुआ लियांग नियन वो लाई चली जाए तो है सो वही शंजे वो मन द सिचुआन हुआ बुताई हाउ. 哦，这是温度，多生活一段时间就好了。哦，你是古人就中国的。你们在上海和南京很长时间了是吧？对，南京四年，还是上海2年。哦，对，在这里的老师。对。年哥。好。走了。好。你买了东西了吗？谢谢。走了，再见啊！拜拜。哎，你好。तो ये सब्जी हमने खरीद ली है. ये जो सब्जी है ये है हरे वाले सरसों. हरे यहाँ पे चाइना में 2 तरह का सरसों मिलता है, एक लाल वाला और एक हरा वाला, और दोनों ही काफ़ी डिलीशियस होता है. तो ये जो आंटियाँ हैं इनके पास आज हरा वाला था और ये बहुत ताज़ा है, अभी अभी टूटा हुआ है, तो बस घर जाके हम ये बनाएंगे. और ये भी देखो, ये भी सब्जी है, तो ये सब्जी भी कोशिश करेंगे हम बनाने की, और नहीं तो हमारे घर पे जो हमारी आई हैं वो बना के देंगी हमको. चलो फिर घर चलते, बच्चे वेट कर रहे हैं अपना. लेट्स गो. ओके. बना रहे हो? पूरी, आलू की सब्जी, सेवैयों की खीर, चटनी और बस. तो नए साल पे पूरियां? हाँ, गरम गरम पूरियां, क्योंकि मौसम भी काफी ठंडा हो रहा है और छुट्टी भी है. पूरी खाओ, सेवैयों की खीर खाओ, क्योंकि आलू का अच्छी लगती है, और आलू की सब्जी, और बाकी यही अपनी चटनी वटनी रायता वायता. यार भी खाना खा लो. खा लिया? क्या खाया तूने? सेवैया, खीर. और बच्चों की फरमाइश पे रात को हमने फ्राई राइस, कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई किए थे, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स फ्राई की थी, सॉस वगैरह बाउज वगैरह खाए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा रात का डिनर हमारा बच्चों के साथ. और आरवी ने भी सुशी खाई थी. ब्रोकली पोरेज खाना में सुशी खाते थे. देखो क्या ब्रोकली पोरेज है ये, और ये वाला सुशी ऐसे है. तो वाला ये रियल वाला सुशी है, और ये वाला जो सुशी है ये भी रियल वाला, और कुछ लगा है ये. अच्छा, तो भाई भी खाएगा क्या? समय भी खाएगा? क्या खाएगा सोमे? चिप्स. मिर्ची वाली खाएगा? कौन खाता है मिर्ची वाली?
हैप्पी न्यू ईयर अरविंद, हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट विशेस, लिव अ लॉन्ग लाइफ। हम लोग शाम को बाहर निकले थे और काफ़ी रौनक थी बाज़ार में, मार्केट में लोग घूम फिर रहे थे, टेम्प्रेरी शॉप्स लगी हुई थी, वहाँ पर भी लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो देखिए आप, ये थोड़ा शाम का व्यू है, इन्जॉय कर रहे थे लोग, डिनर कर रहे थे या फिर शॉपिंग कर रहे थे। तो कई सारी चीज़ें हमने देखी, सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर को सभी अपने अपने तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर।